नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ FSL रिपोर्ट के बारे में, यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट। इसके बारे में आज के जो हमारा जो आज का जो वीडियो ब्लॉग है इस पर हम डिस्कशन करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ये जो FSL की जो रिपोर्ट होती है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, और किस हिसाब से ये रिपोर्ट्स एडमिसिबल होती हैं या होती नहीं हैं, जो भी है इसके बारे में आज के इस हमारे वीडियो ब्लॉग में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स हर बार की तरह यहाँ पर हैं, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप बात करके मेरी टीम से अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे अपने केस को इन पर्सन में भी डिस्कस कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों FSL रिपोर्ट यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट जो होती है उसका जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अगर आप देखें तो ये एक एडमिसिबल एविडेंस है। और पिछले जो दो दशक हैं उसमें ये जो FSL रिपोर्ट्स हैं इनके ऊपर जो है कोर्ट्स काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। अब चाहे वो कोई मर्डर केस हो, चाहे कोई वो क्राइम अगेंस्ट फीमेल रेप एट्सेट्रा का मुकदमा हो, या कोई नार्कोटिक्स का कोई मुकदमा हो, तो जो क्रिमिनल जो मुकदमे होते हैं उसमें आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं वो FSL रिपोर्ट्स को जो है एक एविडेंस के तौर पे पेश करती हैं कोर्ट के सामने। और इन FSL रिपोर्ट्स पे जो है निर्भरता के चलते ये देखा गया है कि देश भर में जो है लाखों मुकदमे हैं जिनमें जो है ट्रायल के दौरान अभी भी ये FSL रिपोर्ट्स कोर्ट्स में नहीं पहुंची हैं, जिस वजह से जो है कई बार जो है कोर्ट्स को वेट करना पड़ता है इन रिपोर्ट्स के आने का। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या जो ये FSL रिपोर्ट्स होती हैं ये क्रिमिनल कोर्ट ऑफ लॉ में या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया में जब कोर्ट्स जो है क्रिमिनल कोर्ट जब क्रिमिनल मुकदमों का ट्रायल करते हैं तो वहाँ पे क्या एडमिसिबल होती हैं और क्या इसकी एडमिसिबिलिटी प्रोसीजर लॉ के हिसाब से है या प्रोसीजर लॉ में इसका कोई सिद्धांत है या कोई सेक्शन है, तो उसके बारे में मैं अब आप लोगों के सामने ये डिस्कशन शुरू करूँगा। तो सेक्शन 293 ऑफ अ कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 ये बात करता है कि जो कोई भी एक्सपर्ट है, अगर कोई साइंस एक्सपर्ट है जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज है तो उसको कोर्ट जो है बुला सकता है इफ़ कोर्ट थिंग्स फिट टू गिव द एग्जामिनेशन और टू गिव द विटनेस बिफोर द कोर्ट। तो जहां तक बात रही FSL रिपोर्ट की, ये FSL रिपोर्ट्स जो है क्रिमिनल कोर्ट्स में एडमिसिबल होती हैं। अब बात करते हैं इन FSL रिपोर्ट्स में जो टाइम लगता है और इतना टाइम क्यों लगता है। देखिए ऐसा है हमारे देश में जहाँ एक तरफ जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज़ हैं इनके ऊपर जो है दबाव बढ़ा है इन टर्म्स ऑफ कि इसको जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं जो फॉरेंसिक जो सबूत होती हैं उनको जो है उनके ऊपर उनकी निर्भरता बढ़ी है कोर्ट्स में कन्विक्शन करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास ऐसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसको जो हमें रिक्वायरमेंट है वो शायद एडिक्वेट नहीं है। है इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन देयर आर विद एवरी पुलिस हेडक्वार्टर, यू नो जहाँ पे भी पुलिस के हेडक्वार्टर्स हैं पूरे देश भर में वहाँ पे जो है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, लेकिन वो कम तादाद में हैं। और जिस वजह से ये होता है कि जो रिपोर्ट्स हैं उनके आने में जो है टाइम लगता है। मैं जब आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था उसकी रिसर्च के दौरान मैंने देखा कि हिंदू अखबार का एक रिपोर्ट जो है उन्होंने पब्लिश की, दिस इज़ अ आर्टिकल डेटेड 11th February 2021। इट सेज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्रिपल्ड ओनिंग टू अ ग्रॉस डिले इन गेटिंग FSL रिपोर्ट। ये कहा है हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने। तो इसमें इनफैक्ट बताया गया है कि 35,738 सैंपल्स जो है अभी अवेट करते हैं इन क्लोज टू 7,000 केस, लमसम 7,000 केसेस में, जिसमें जो रिपोर्ट्स जो पेंडिंग हैं वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, नार्कोटिक्स, कंप्यूटर फॉरेंसिक, मोबाइल फॉरेंसिक, ऑडियो वीडियो, DNA, फायर आर्म्स, फिजिक्स, फोटोग्राफी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, बहुत सारे जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स किया, टॉक्सोलॉजी, ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं ये सिर्फ एक कर्नाटका हाई कोर्ट का ये डेटा है जो मैंने आपके सामने रखा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें
बेस्ड ऑन नंबर ऑफ केसेस दैट वी हैव पेंडिंग, आई गेस ये लाखों में ये डेटा रहेगा, जैसा कि मैंने मेरे वीडियो के शुरुआत में ही कहा। अब बात आती है कि ये जो रिपोर्ट्स होती हैं, क्या सिर्फ इन फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट्स के बेसिस पे ही किसी का कन्विक्शन किया जा सकता है? तो इसके लिए एक मुकदमा है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दिस इज़ बेस्ड ऑन द एडमिसिबिलिटी ऑफ यू नो एफएसएल रिपोर्ट इन अ क्रिमिनल केस। तो ये मुकदमा था लाल प्रसाद कार्की वर्सेस स्टेट ऑफ असम। इसमें जो कहा गया है कि सिर्फ देखिए एफएसएल रिपोर्ट जो है एडमिसिबल तो है कोर्ट ऑफ लॉ में अंडर सेक्शन 293 सीआरपीसी, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे ही किसी का कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है। इस पर एक्सपर्ट जो है उसका जो है एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होना भी ज़रूरी है। तो ये बात अब साबित हो गई कि जो एफएसएल रिपोर्ट्स हैं सिर्फ उनके बेसिस पे ही सिर्फ कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। दूसरा, आप एक बात समझिए कि जब आप किसी अपने क्लाइंट के लिए अगर आप ट्रायल कर रहे हैं, या आपका कोई जान पहचान वाला जेल में बंद है या उसका ट्रायल चल रहा है, और ये एफएसएल रिपोर्ट के बारे में आपने कई बार सुना होगा, तो जहाँ पे जो प्रोसिक्यूशन रिलाय करता है फॉरेंसिक एविडेंसेस के ऊपर, वहाँ पे कई बार ये देखा जाता है कि जो फॉरेंसिक एविडेंसेस पे जब तक कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं आती है तो प्रोसिक्यूशन हमेशा कहता है कि साहब एफएसएल रिपोर्ट इज़ अवेटिंग, एफएसएल रिपोर्ट इज़ अवेटिंग। तो उसका जो भार है वो जो है जो अक्यूज पर्सन है उसके ऊपर प्राइमरली नहीं होना चाहिए। कोर्ट्स ने कई बार टाइम एंड अगेन इसको सेट भी किया है। अगर कोर्ट्स ने न्यूमेरस अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं प्रोसिक्यूशन को कि वो जो अपना सपोर्टिंग एविडेंस है या फिर डॉक्यूमेंट्री जो एविडेंस है उनका एफएसएल के ऊपर, जो एफएसएल की रिपोर्ट जिसको कहते हैं, अगर वो दाखिल नहीं करेंगे तो उन्होंने कहा है कि यार वी विल नॉट एडमिटेड। ऐसा कोर्ट्स ने कई बार किया है। इनफैक्ट आई कैन से दैट सिंस आई एम अ क्रिमिनल जस्टिस अटर्नी आई डू सी इट यू नो ऑन एंड ऑफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो सिर्फ एफएसएल रिपोर्ट के बेसिस पे कन्विक्शन नहीं किया जा सकता। एफएसएल रिपोर्ट को सपोर्ट करने वाला जो है एविडेंस होना चाहिए एफएसएल एक्सपर्ट का भी, जो कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है जिस भी चीज़ के लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी गई है, चाहे वो वेपन्स रिलेटेड हो, चाहे वो बायोलॉजिकल रिपोर्ट हो, चाहे वो कोई और क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में जो कोर्ट जो है मांगता है या डिटर्मिन करता है। अब जिन मुकदमों में प्रोसिक्यूशन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, फॉर एग्जांपल क्राइम अगेंस्ट वेमेन, फॉर एग्जांपल एनडीपीएस केसेस एट्सेट्रा, इनके ऊपर ज़्यादा इन रिपोर्ट्स की निर्भरता रहती है। तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि ये जो रिपोर्ट है उसमें किस हिसाब से सैम्पलिंग की गई है, क्योंकि लेबोरेटरी अपनी रिपोर्ट देती है जो सैम्पल प्रोड्यूस किया जाता है एजेंसी के द्वारा, या जो एजेंसी जो है सैम्पल भेजती है। लेकिन एज अ यू नो डिफेंस अटर्नी, अगर आप ट्रायल कर रहे हैं और अगर आप वकील हैं जो अभी वकालत शुरू कर रहे हैं, तो जब आप क्रॉस एग्जामिन करें तो आप देखिए कि वो सैम्पलिंग जो है किस हिसाब से की गई। कई कई बार देखा जाता है कि जिन पुलिस ऑफिसर्स को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो सैम्पल लें और सैम्पल लैब में जमा करें, कई बार उनके बिहाफ पे उस सैंपल को जमा करने में डिले किया जाता है। कभी कभी 24-48 घंटे का डिले होता है। कभी कभी ये जो ऑफिसर्स हैं ये सैंपल के ऊपर बैठ जाते हैं। बैठ जाने का मेरा मतलब है कि सैंपल लिया लेकिन उन्होंने उसको जमा नहीं किया। तो आप जो देखें कि जब एजेंसी एफएसएल रिपोर्ट की एडमिसिबिलिटी के साथ साथ उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई कर रही है, तो आप ड्यूरिंग अ क्रॉस एग्जामिनेशन आप उन ऑफिसर्स को भी क्रॉस एग्जामिन करें, उनसे रेलिवेंट सवाल पूछें कि उनको कितना टाइम लगा ये सब एविडेंस को जो है लेबोरेटरी पहुंचाने तक, और जो एक्सपर्ट हैं आप उन एक्सपर्ट से भी क्रॉस एग्जामिनेशन की जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ अ ट्रायल, तो आप उनसे पूछें कि रेलिवेंट सवाल आप उनसे ये करें कि भाई अगर ये जो रेलिवेंट टाइम है क्या उसमें सैंपल चेंज हो सकता है, या जो सैंपल है क्या वो ढंग से सैंपल लिया गया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं ये जिस पे आप अपना फोकस आप डाल के आपको रखना चाहिए। लेकिन एक बात एज अ कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से कि इंडियन जो कोर्ट्स हैं वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है काफ़ी निर्भर हुए हैं, और जब निर्भर हुए हैं उसके ऊपर तो उसकी वजह से जो है इन रिपोर्ट्स को आने में टाइम भी लग रहा है, और देखा ये गया है कि ये जो डिले होता है उसका नुकसान जो है जो अभियुक्त होता है उसको होता है। उसका रीज़न ये भी है कि
जब एजेंसी कहती है कि रिपोर्ट इसमें नहीं मांगी गई और अगर कोई ऐसे हीनियस ऑफेंस में बंद है जहाँ पे जो है सज़ा जो है लाइफ टाइम इम्प्रेजनमेंट या फिर अप टू डेथ का अगर प्रोविजन वहाँ पे रहता है, तो वहाँ पे एजेंसीज अपना पूरा टाइम लेती हैं रिपोर्ट्स को जो है प्रोड्यूस करने में कोर्ट में। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो जज साहिब हैं अगर उनको लगता है कि एजेंसी बार बार डिले कर रही है जानबूझकर, तो वो कई बार एजेंसियों को भी लताड़ना नहीं भूलते। लेकिन FSL की एडमिसिबिलिटी को आप समझिए, आपको अगर आपके पास कोई चार्जशीट है, अगर आप ट्रायल कर रहे हैं या फिर आपका कोई अभियुक्त जेल में बंद है तो उसकी आपकी चार्जशीट होगी, तो आप उसके एग्जिबिट्स पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उसको पढ़ना, लेकिन अगर अगर आप ढंग से उसको पढ़ें शायद आप बायोलॉजिकल और क्लिनिकल टर्म्स शायद आप नहीं समझ पाएँ, लेकिन वो समझ में आती हैं जैसे कि आपकी बाकी जो क्लिनिकल रिपोर्ट्स जो आपके सामने होती हैं। एक वकील को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन रिपोर्ट्स को पढ़े और साथ ही साथ ये भी देखे कि जो क्लिनिकल टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है। तो अगर आप एक रिपोर्ट को इस हिसाब से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो फ्यूचर में आपके काम आएगी। तो दोस्तों, आज का जो मेरा छोटा सा जो वीडियो ब्लॉग है, बस इसमें आज के लिए इतना ही। और जैसा कि हमेशा कहता हूँ, मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पर हैं, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। गाइज, माई फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो किताब है, जो कि जो पहली पीढ़ी के जो वकील हैं जिनके घर परिवार में पहले से कोई वकील नहीं रहा, उनको पढ़नी चाहिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दिस फर्स्ट जनरेशन बुक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस हैज 10 टिप्स विच विल हेल्प यू टू एस्टैब्लिश योर सक्सेसफुल प्रैक्टिस। गाइज, आज के मेरे इस छोटे से वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आपका दिन जो है शुभ हो और आपकी रात्रि मंगलमय हो। नमस्कार।